2018 से 2023 पार्लियामेंट के 5 साल किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हाजिर रहा, कितना गैर हाजिर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफ ने मुल्क की 15वीं कौमी असेंबली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असेंबली में गुज़िश्ता असेंबली के मुकाबले में 54% ज्यादा 322 बिल मंजूर किए गए, जबकि गुज़िश्ता असेंबली में 205 बिल पास किए गए थे। सिर्फ ज्यादा कानून साजी ही नहीं, मुल्क की 15वीं असेंबली को यह एजाज भी हासिल रहा कि एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फाफिन के आदाद शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क्यादत में 16 माह रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन पीटीआई की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहसियत वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई कौमी असम्बली के अजलासों में उनकी हाजिरी 9% रही, जबकि शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम पार्लियामेंट में हाजिरी 17% रही। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी, लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब हुई और लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। रेंजर्स के जवानों की मस्तैदी और उठते कदम लोगों के जोश को और बढ़ाते रहे। तकरीब से कबल रेंजर्स यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों की परेड भी तवज्जो का मरकज रही। तफसीलात बता रही हैं लाहौर से दुआ मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब, खवातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री, शहरियों की बड़ी तादाद का भरपूर जोश व वलवला, नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे माहौल को और भी गर्माते रहे। परेड देखने के लिए आए शहरियों ने बड़ा सब्ज हिलाली परचम थाम रखा था। रेंजर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों की परेड भी हाजरीन के जोश वलवले को बढ़ाती रही। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते का जारहाना अंदाज, रेंजर्स के जवानों ने रिवायती अंदाज में कौमी परचम उतारा तो समा बन गया। जश्न आज़ादी के मौके पर वाघा बॉर्डर पर जहां पाकिस्तानी परचम का रंग नुमाया रहा, वहीं मुख्तलिफ सूबों के रंग भी नजर आए। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़ लाहौर।